गुना में पुलिसिया बर्बरता का शिकार हुए किसान की मां से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फोन पर बात करने के दौरान उनके हर संभव मदद करने का आश्वासन देने के साथ ही कहा कि आपकी रक्षा करना सिंधिया परिवार का दायित्व है। गुना में दलित किसान पर पुलिस बर्बरता से विपक्ष के आरोपों से घिरी सरकार और भाजपा पूरी तरह डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया गुरुवार को अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने पीड़ित परिवार का हालचाल जाना और परिजनों से बात भी की। इस दौरान पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने पीड़ित किसान की मां से भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात भी कराई। पीड़ित के परिजनों से बात करने के दौरान सिंधिया ने हर संभव सहायता करने का आश्वासन देते हुए कहा कि उन्हें घटना सुनकर दुख हुआ है और अब बिल्कुल भी चिंता ना करें। महाराज, ये अपने जगनपुर के अनुसूचित जाति के लोग हैं अस्पताल में, ये मैं आपको लाइन दे रहा हूँ, महाराज जरा इनसे बात कर लीजिए। उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई हम लोग करवाएंगे और आपकी रक्षा सिंधिया परिवार का धर्म बनता है, तो आप बिल्कुल चिंता मत करना। बातचीत के दौरान पीड़ित महिला ने जब कहा कि उल्टा मुकदमा उन पर ही कायम कर दिया गया है, इस पर सिंधिया ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हम लोग सब देख लेंगे, मैं सब इंतजाम करा दूंगा। सर जी नहीं कर रहे चिंता, आप लोग हैं, हम चिंता नहीं कर रहे, मगर मुकदमा हम पे कायम कर दा सर जी, हमारी रिपोर्ट नहीं देंगे, नहीं कर रहा है सर जी, मेरे 6 बच्चे हैं, मैं मजदूरी कर रही हूँ भाई, मैं खतरा पर रहा हूँ भाई, मैं मार खा रहा हूँ जी सर जी। सर जी मेरी देखने बेदान है, मेरे बच्चे ने थोड़ी थोड़ी जमीन हो जाए तो मेरे बच्चे कर खाएंगे, कोई सहायता मिल जाए मेरे को। तो वही घटना का शिकार हुए किसान ने मीडिया से चर्चा के दौरान पुलिस की बर्बरता की पूरी कहानी बताई। फिर माँ को मारा, भैया को मारा, मेरे 6 महीने का लड़का है उसे मेरे को खुद ने मारपीट की और हमारे पे आरोप लगाया। समाज को यही मैसेज देना चाहता हूँ सर, मेरे साथ में इंसाफ हो, नहीं तो आज मेरे को कराया कल दूसरे को भी करेंगे जी, कार्रवाई होना चाहिए। राशन कार्ड भी नहीं है, जमीन भी नहीं मिली अभी कहीं पे, ना पुट्टी झोंपड़ी कुछ नहीं है सर जी, अभी कुछ नहीं मिल रही थी सर। तो उधर मामले में सरकार ने कलेक्टर, आईजी, एसपी हटाने के बाद एक एसआई समेत 6 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। निलंबित किए गए पुलिस कर्मियों में 2 महिला आरक्षक भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, गुना।